தேசிய கல்விக் கொள்கை கொண்டு வரப்பட்டு ஓராண்டு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றி வருகிறார். நேரலையை காணலாம். Our National Education Technology Forum, NETF, इस दिशा में पूरे देश में डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे, देश की नई शिक्षा व्यवस्था उसे वैसे ही अवसर उपलब्ध कराएगी। साथियों, बीते एक वर्ष में आपने भी ये महसूस किया होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। जो ओपननेस पॉलिसी के लेवल पे है, वही ओपननेस स्टूडेंट्स को मिल रहे विकल्पों में भी है। अब स्टूडेंट्स कितना पढ़े, कितना समय तक पढ़े, ये सिर्फ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी नहीं तय करेगा। इस फैसले में स्टूडेंट्स की भी सहभागिता होगी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की जो व्यवस्था आज शुरू हुई है, इसने स्टूडेंट्स को एक ही क्लास और एक ही कोर्स में जकड़े रहने की मजबूरी से मुक्त कर दिया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इस सिस्टम से इस दिशा में स्टूडेंट्स के लिए रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है। अब हर युवा अपनी रुचि में, अपनी सुविधा से कभी भी एक स्ट्रीम को चूज कर सकता है, छोड़ सकता है। अब कोई कोर्स सेलेक्ट करते समय ये डर भी नहीं रहेगा कि अगर हमारे डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा। इसी तरह स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट தேசிய கல்விக் கொள்கை கொண்டு வரப்பட்டு ஓராண்டு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றிய அந்த நேரலையை பார்த்தோம்.